रामिम एक्सरसाइज थ्री पॉइंट टू का क्वेश्चन नंबर फोर स्टार्ट करने लगे कि लेट ए एंड बी बी डिस्टिंक्ट एन बाय एन मैट्रिसेस विद रियल एंट्रीज इफ़ ए बी स्क्वायर इक्वल बी ए स्क्वायर एंड ए क्यूब इक्वल बी ए बी क्यूब शो दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज़ नॉट इन दो बातें इसमें जो इम्पोर्टेंट है एक तो ये है कि ये ए और बी डिस्टिंक्ट मैट्रिसेस हैं यानी अलग अलग हैं सेम नहीं हैं और दूसरा हमें ये प्रूफ करना है कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो, अगर ऐसा हो तो ए स्वयर प्लस बी स्कर जो मैट्रिक्स है वो इन्वर्टिबल नहीं होता इन्वर्टिबल मीन उसका इन्वर्स एक्जिस्ट नहीं करता तो हम ये सपोज़ कर लेते हैं कि ए स्क्र प्लस बी स्कर जो मैट्रिक्स है वो इन्वर्टिबल है यानी उसके कंट्राडिक्शन हम लेकर चलेंगे और प्रूफ करेंगे कि कुछ ऐसा है जो गलत हो चुका है हम मान लेंगे कि अगर ए स्क्र प्लस बी स्केर इन्वर्टिबल है तो इट मीन इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है हम कह देते हैं कि उसका इनवर्स सी है यानी सी के साथ लेफ़्ट और राइट right साइड से मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर आइडेंटिटी आता है हम एक साइड से लिख देते हैं कि ए स्क्र प्लस बी स्केर मल्टीप्लाई विद सी इज़ इक्ल टू आइडेंटिटी ओके अगर ये आइडेंटिटी है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसे लिखेंगे ए स्केयर सी प्लस बी स्केयर सी इक्वल आइडेंटिटी ओके okay. तो अगर हम इसकी दोनों साइडों पे एक ही मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दें ए को लेफ्ट साइड से दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा ए क्यूब सी प्लस ए बी सुकेर सी इक्वल ए सो ए क्यूब सी प्लस ए बी सुकेर सी इक्वल ए लेकिन ऊपर हम ये भी सपोज कर चुके हैं कि ए क्यूब इक्वल है बी क्यूब के और स्क्वायर इक्वल है बी ए स्क्वायर के तो इन दोनों की वैल्यूज़ यहाँ पुट करेंगे हम जब ए क्यूब है तो उसको लिखेंगे बी क्यूब और बी ए स्क्वायर लिखेंगे ए बी स्क्वायर की जगह इक्वल है ए के तो अब यहाँ से भी हमारे पास कुछ कॉमन है बी लेफ्ट साइड पे कॉमन लिया जा सकता है और सी राइट साइड पे कॉमन लिया जा सकता है तो हम इसे लिखेंगे बी इंटू बी सुकेयर यहाँ से जब बी लेफ्ट साइड पे कॉमन चला गया तो यहाँ सिर्फ बी सुकेयर रह गया और सी राइट साइड पे चला गया इसी तरह बी लेफ्ट साइड और सी राइट साइड पे चला गया तो यहाँ ए सुकेयर हो गया सो बी इंटू बी सुकेयर प्लस ए सुकेयर सी इक्वल ए अब मैट्रिसेस की जो एडिशन है वो कम्यूटेटिव है यानी दो मेट्रिस जैसे मर्जी ऐड कर लें तो हम इसको लिखेंगे बी इंटू ए सुर प्लस बी सुयर सी इक्वल ए हम पहले ये सपोज़ करके चले हैं कि ए स्कियर प्लस बी स्केर इंटू सी इक्वल है आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे बी इंटू ए स्क्र प्लस बी स्केर इंटू सी की जगह हम लिखेंगे आइडेंटिटी यानी बी इंटू आइडेंटिटी इक्वल ए बी और आइडेंटिटी मल्टीप्लाई होंगे तो बी बन जाएगा इट मीन बी इज़ इक्वल टू ए हम तो ये सपोज़ करके चले थे कि ए और बी दो डिस्टिंक्ट मैट्रिसेस हैं डिस्टिंक्ट मीन अलग अलग हैं वो सेम नहीं हैं और यहाँ तो ये यह हो गया कि ये सेम है इसका मतलब यह है कि जो हमने सपोज किया है पहले वो गलत है हम क्या सपोज़ कर रहे थे कि ए स्क्र प्लस बी स्क्र इन्वर्टिबल है इट मीन ऐसा नहीं है सो हम ये कहेंगे कि ए स्क्र प्लस बी स्क्र इज़ नॉट इन्वर्टिबल ये जो हमने मेथड यहाँ अपनाया है इसको कहते हैं बाई कंट्राडिक्शन